आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल में एक अटेंडेंस शीट कितनी आसानी से तैयार किया जा सकता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज हैज अ बिगिनिंग बट नो एंड। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीजें वही कवर करते हैं। ये एक अटेंडेंस शीट है जो कि मैंने एडवांस में तैयार किया हुआ है। इसमें काफी चीजें ऑटोमेटेड है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर ड्रॉपडाउन से मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं जैन, उसके बाद फेब और टोटल 12 मंथ्स के नाम यहाँ हैं। ईयर वाइज अगर हम चलें तो मैंने टोटल 5 ईयर्स का यहाँ लिया हुआ है। आप चाहें तो इसे आगे भी कर सकते हैं। आप एक चीज़ यहाँ गौर करेंगे कि यहाँ डेज भी चेंज हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। जब हम मंथ चेंज करते हैं तो यहाँ डेज और डेट खुद बखुद चेंज हो जाता है। अगर मेरा अप्रैल 22 में संडे 3 तारीख को था और मैं जब अगर लेता हूँ जैन, तो यहाँ मेरा 2 तारीख को संडे हो चुका है। हम अगर करंट मंथ ले लेते हैं, यानी कि अगर हम अक्टूबर ले लेते हैं, तो अक्टूबर में भी सेम है। हम कोई और मंथ लेके देखते हैं, नवंबर। नवंबर में आप देखेंगे कि 6 तारीख को संडे है, और जब जब संडेज चेंज हो रहा है तो आपका रेड पार्ट जो शो किया हुआ है यहाँ पर, वो भी ऑटोमेटिकली शो हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। एक चीज़ आप यहाँ और गौर करेंगे, अगर मैं जैन पर आता हूँ तो जैन में यहाँ 31 डेज हैं टोटल, और जब मैं यहाँ पर फेब में आता हूँ तो आप देखेंगे कि 28 डेज हैं और उसके बाद का मेरा टोटली ब्लैंक हो चुका है। ये चीज़ें यहाँ हैं, जैसे नेम, एम्प्लॉय आईडी, ये चीज़ें डालनी होंगी। कुछ चीज़ें यहाँ हैं जैसे टोटल प्रेजेंट, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। जब हम यहाँ पी इंसर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ प्रेजेंट काउंट हो रहा है। यहाँ जब मैं एबसेंट डालता हूँ तो ये एबसेंट काउंट हो रहा है, और जब मैं यहाँ हॉलीडे डालता हूँ एच, तो ये मेरा हॉलीडे भी काउंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ रखी हुई हैं। मैंने डेटा सिर्फ 20 स्टूडेंट्स या 20 एम्प्लॉयज़ का बनाया हुआ है। आप अपने हिसाब से डेटा को बढ़ा या घटा सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम चलेंगे एक न्यू शीट में और इस शीट को हम तैयार करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम इंसर्ट करने वाले हैं वो है मंथ और ईयर। हम क्लिक करेंगे अपने शीट में, हम जाएंगे डेटा में। डेटा में जाने के बाद हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ से हम जाएंगे सेटिंग में, एनी वैल्यू की जगह हम चूज़ कर लेंगे लिस्ट, और यहाँ जो सोर्स हमसे मांगा जा रहा है तो हम यहाँ सोर्स प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ मैन्युअली टाइप करने वाले हैं या फिर कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ टोटल मंथ्स के नेम यहाँ टाइप कर दूंगा। आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे अगस्त है तो इसके बाद आपको डॉट नहीं लगाना। सितंबर SEPT मैंने लिखा हुआ, उसके बाद डॉट मैंने नहीं लगाया है, तो आपको भी डॉट नहीं लगाना है। अदरवाइज जब आप शीट को यूज़ करेंगे तो प्रॉपरली वो काम नहीं करेगा। ये करने के बाद हम इसे कर देंगे ओके। आप देखेंगे कि यहाँ एक ड्रॉप डाउन का एरो क्रिएट हो चुका है। हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं जैन। हम आते हैं नेक्स्ट पर, और यहाँ हम सेम वे से ईयर टाइप करने वाले हैं। हम जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह हम ले लेंगे लिस्ट, और यहाँ हम टाइप कर देंगे 2022 से लेकर 2025 तक। ओके करेंगे हम। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आप ईयर्स को बढ़ा या घटा सकते हैं। और ये जो शीट है, जब भी आप यूज़ करेंगे, जब भी आप ईयर चेंज करेंगे, ये शीट ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। हम चलते हैं 22 पे। अब हम यहाँ डेट इंसर्ट करेंगे। डेट के लिए हम यहाँ एक फॉर्मूला लेंगे, प्लस डेट वैल्यू डबल इन्वर्टेड कॉमा 1 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हम यहाँ लगाएंगे एंड, हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे मंथ, एंड हम यहाँ ईयर भी सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ जो नंबर आया है वो जनरल फॉर्मेट में है। हम राइट क्लिक करेंगे माउस को, फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे। फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद हम डेट में जाएंगे और इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे 14th March। हम इसे कर देंगे ओके। मैंने इसमें सिर्फ डेट और मंथ लिया हुआ है। इसका ये रीज़न है कि मेरा ईयर यहाँ ऑलरेडी शो कर रहा है। एक सेल मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं आऊँगा नेक्स्ट सेल में। यहाँ मैं एक फॉर्मूला और इंसर्ट करने वाला हूँ, वो होगा हमारा एंड ऑफ द मंथ का, यानी कि जो लास्ट डेट है उसका। हम टाइप करेंगे प्लस या फिर इक्वल टू ईओ, यहाँ ऑटोमेटिकली आ चुका है।
ये करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट डेट कॉमा जीरो, ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे और हम एंटर कर देंगे। सेम चीज यहां हुई, हम इसे भी फॉर्मेट कर लेंगे, फॉर्मेट सेल्स डेट ओके। आप देखेंगे कि यहाँ 31 जैन आ चुका है। ये चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब हम अपना फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए सीरियल नंबर, उसके बाद हमें चाहिए नेम, स्टूडेंट आईडी या फिर एम्प्लॉय आईडी, यहाँ हमारा डेट है। हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पर एक रो और इंसर्ट कर देते हैं जहाँ हम अपना डेट इंसर्ट करने वाले हैं। हम यहाँ लेंगे प्लस और जो हमारा ये फर्स्ट डेट है उस पर हम क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट डेट आ चुका है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ प्लस वन करके इसे ड्रैग कर सकता हूँ, लेकिन उससे ये होगा कि ये हमारा ऑटोमेटिक नहीं होगा, और अगर हम जैन का मंथ जब यहाँ इंसर्ट करेंगे तो वो 31 डेज शो करेगा, और जब हम फेब का मंथ इंसर्ट करेंगे तो वहाँ 28 के बाद 1-2 शो करेगा, ब्लैंक शो नहीं करेगा। अब हम यहाँ एक फॉर्मूला इंसर्ट करने वाले हैं और हमारा फॉर्मूला है इफ का, प्लस इफ हम फर्स्ट डेट को सेलेक्ट करेंगे, करेंगे हम बिगर देन, हम सेलेक्ट करेंगे लास्ट डेट को जो कि ऊपर वाले रो में है, उसके बाद हम देंगे कॉमा, हम सेलेक्ट करेंगे वापस से फर्स्ट डेट, प्लस वन हम कर देंगे, कॉमा देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर कर देंगे। इसे हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ओके, आप देखेंगे कि जब इसे मैंने ड्रैग किया तो ये हमारा प्रॉपरली शो नहीं कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर डॉलर इंसर्ट नहीं किया। हमें यहाँ डॉलर इंसर्ट करना है। हम कमांड देंगे फंक्शन F4 और हमारा यहाँ डॉलर इंसर्ट हो चुका है। अब हम इसे ड्रैग करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है। हम आएंगे नीचे की तरफ और हम डेज को भी ऑटोमेटिकली इंसर्ट करेंगे, यानी कि फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। प्लस टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, इसे हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा DDD डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और हम एंटर कर देंगे। ये देखिए, यहाँ हमारा काफ़ी आराम से डे इंसर्ट हो चुका है। इसे भी मैं ड्रैग कर देता हूँ। अब जब हम यहाँ पर मंथ चेंज करते हैं तो देखते हैं कि हमारा डेज ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है कि नहीं। ये देखिए, फर्स्ट फेब को मेरा ट्यूसडे है और जब मैं आता हूँ जैन में तो फर्स्ट जैन को मेरा सैटरडे है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये काम कर रहा है। हम इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे, माउस को हम राइट क्लिक करेंगे, हम जाएंगे फॉर्मेट सेल्स में, हम जाएंगे कस्टम में और यहाँ हम टाइप कर देंगे DD, क्योंकि हमें सिर्फ फिगर्स चाहिए, हमें यहाँ मंथ भी नहीं चाहिए क्योंकि मंथ हमारा बिगिनिंग में शो कर रहा है। हम करेंगे ओके और ये देखिए, ये हमारा सिर्फ नंबर शो कर रहा है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम इसकी भी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये हमने फॉर्मेटिंग कर लिया, इसे हम पूरा सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ डबल क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि ये काफ़ी कम स्पेस ले रहा है और काफ़ी आराम से भी हो चुका है। बाकियों को भी हम उसी तरीके से कर देंगे। हम इसे सेलेक्ट करेंगे और हम इसे ड्रैग कर देंगे जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। हम टोटल शीट को सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ हम आ जाएंगे बिगिनिंग में और ये देखिए, ये हमारा शीट यहाँ पर तैयार हो चुका है। जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ फेब में तो आप देखिए, यहाँ सिर्फ 28 डेज ही शो कर रहा है। इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सीरियल नंबर में मैं नंबर इंसर्ट कर लेता हूँ। नंबर इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसे ड्रैग कर लेता हूँ। फिल सीरीज, ये 18 स्टूडेंट्स का मेरा हो चुका है। मैं दो और इंसर्ट कर लेता हूँ, ये मेरा 20 स्टूडेंट्स का हो चुका है। थोड़ी फॉर्मेटिंग मैं इसे और कर लेता हूँ। फॉन्ट मैं चेंज करके टाइम्स कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं बॉक्सेस इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ जैन कर लेता हूँ ताकि मेरा मैक्सिमम डेज का टेबल यहाँ रेडी हो जाए। यहाँ पर मैं इसे एक साथ मर्ज कर लूँगा ताकि मैं यहाँ अटेंडेंस शीट लिख सकूँ, अटेंडेंस शीट।
फॉन्ट के साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, इसे भी थोड़ी कलरिंग कर लेते हैं हम। यहाँ हम 2 इंसर्ट कर देते हैं। ये हमारा 1st Jan से 31st Jan तक का है। आप चाहें तो यहाँ भी कोई कलर इंसर्ट कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। मैं इसे फिलहाल ब्लैंक छोड़ देता हूँ। यहाँ हम इसे मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने से आपके ड्रॉप डाउन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हमारा रॉ फॉर्मेट रेडी हो चुका है। अब हम देखेंगे कि बाकी की चीज़ें हम कैसे इंसर्ट करने वाले हैं। कुछ चीज़ें और हम यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे कि टोटल प्रेजेंट डेज कितना था, टोटल एब्सेंट कितना था और टोटल हॉलीडेज कितने थे। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि टोटल प्रेजेंट में इंसर्ट करने हैं, वो हम अभी इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ हम काउंटिव का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, प्लस काउंटिव ब्रैकेट ओपन। हम इसे फर्स्ट से लेके सेलेक्ट करेंगे लास्ट डेट तक, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा पी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। मैंने यहाँ पी इसलिए लिया क्योंकि हम प्रेजेंट के लिए पी यूज करने वाले हैं। सेम वे से हम टोटल एब्सेंट और हॉलीडेज का भी इंसर्ट कर लेंगे। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम कवर करने वाले हैं वो है कि संडेज़ को ऑटोमेटिकली कैसे कलर इंसर्ट हो जाए, और हम कुछ भी अगर टाइप करना चाहें संडेज़ को तो वो इंसर्ट हम कुछ भी ना कर पाएं। हम क्लिक करेंगे यहाँ, हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हम जाएंगे न्यू रूल्स, सेलेक्ट करेंगे क्लासिक। यहाँ हम ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, क्लिक करेंगे हम। यहाँ हमें फॉर्मूला इंसर्ट करना है, हम यहाँ लेंगे प्लस, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जो हमारा फर्स्ट डे होगा, मंथ का जो फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट को जो डे पड़ता है उसे हम सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, इक्वल टू हम करेंगे और यहाँ हम टाइप कर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में संडे, डबल इन्वर्टेड कॉमा SUN डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ई के पहले जो डॉलर का साइन है हम उसे रिमूव कर देंगे, क्योंकि जब हम ड्रैग करेंगे तो डॉलर का साइन होने की वजह से हम सारा ड्रैग नहीं कर पाएंगे। हम जाएंगे फॉर्मेट विथ, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, कस्टम फॉर्मेट में हम जाएंगे, फिल, फिल में हम कलर सेलेक्ट करेंगे रेड, फॉन्ट में आएंगे और फॉन्ट का जो हम कलर है वो ले लेंगे येल्लो। हम कर देंगे ओके, हमारा फॉन्ट कुछ ऐसा नजर आने वाला है, हम इसे करेंगे वापस ओके। आप देखेंगे कि यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जो फर्स्ट डे था वो ट्यूसडे था। हम इसे ड्रैग करते हैं और देखते हैं कि हमारा संडेज को रेड ऑटोमेटिकली होता है या नहीं। ये देखिए संडेज को ऑटोमेटिकली हमारा रेड हो चुका है। हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे, संडेज को ये हमारा हो चुका है। एक काम मैं और कर लेता हूँ, मैं व्यू में जाके इसके ग्रिड लाइंस को हटा देता हूँ ताकि ये प्रॉपरली हमारा नज़र आए। अब हम यहाँ से मंथ चेंज करके देखते हैं। March 6 हमारा संडे है, हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं जैन, और आप देखेंगे कि जो 6 को हमारा संडे था वो हमारा 2 को आ चुका है, यानी कि रेड वाला भी पार्ट हमारा काफ़ी आराम से ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। इससे हमें ये पता चल जा रहा है डायरेक्टली कि रेड पार्ट जो है वो हमारा हॉलीडे है या फिर ऑफ डे है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें इंसर्ट करना है कि हम रेड पार्ट में कुछ भी टाइप ना कर पाए। अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ पी तो ये देखिए यहाँ पर ले रहा है। हमें क्या करना है कि हमें जाना है फर्स्ट डेट को, यानी कि जो सैटरडे हमारा था जैन फर्स्ट को सैटरडे था, हम वहाँ नीचे की तरफ क्लिक करेंगे, हम जाएंगे डेटा में। डेटा में जाने के बाद हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में यहाँ हम जाएंगे कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद हमें यहाँ फॉर्मूला इंसर्ट करना है। हम जो फॉर्मूला इंसर्ट करने वाले हैं वो है प्लस, हम इस बॉक्स को थोड़ा साइड ले लेंगे ताकि हमें चीज़ें यहाँ नज़र आए।
हम फर्स्ट डे को सेलेक्ट करेंगे, यानी मंथ के फर्स्ट डे को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हम बिगर दैन एंड स्मॉलर दैन इंसर्ट करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लेंगे, हम यहाँ टाइप करेंगे संडे, डबल इन्वर्टेड कॉमा हम क्लोज करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे एरर अलर्ट पे, यानी कि जब हम वहाँ टाइप करें तो हमारे पास कुछ मैसेज आए कि हम टाइप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कोई तो रीज़न है जिसकी वजह से टाइप नहीं कर पा रहे हैं। तो टाइटल हम यहाँ दे देते हैं संडे, और एरर मैसेज में हम डाल देते हैं इट्स ऑफ डे। वो करने के बाद हम करेंगे ओके। वापिस हम इसे ड्रैग करेंगे एंड तक, इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे, और हमारा जो फॉर्मेटिंग था वो हो चुका है। अब हम इंसर्ट करके देखते हैं सैटरडे को, पी हमारा इंसर्ट हो जा रहा है। जब हम संडे को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं पी, तो देखते हैं क्या होता है। हमारा एरर अलर्ट आ चुका है कि आप यहाँ कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, संडे इट्स ऑफ डे, हम इसे कैंसिल करेंगे। बाकी की जगह हम काफ़ी आराम से इंसर्ट कर सकते हैं, ये देखिए काफ़ी आराम से हम यहाँ चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं। अब जो चीज़ें आपको करने के लिए बच गई हैं वो है आपको स्टूडेंट्स का नाम डालना, स्टूडेंट्स का आईडी डालना। आप इसे भी थोड़ा सा ब्लॉक कर लें ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ये मैंने ब्लॉक कर लिया, इसे भी थोड़ा हम ब्लॉक कर देंगे। एंड में आके हम इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब आप गौर करेंगे कि ये जो आपका अटेंडेंस शीट है ये 2022 से लेकर 2025 तक बन चुका है। आप इस शीट का एक ब्लैंक कॉपी अपने पास रख सकते हैं, आपको जिस ईयर में भी यूज़ करना है आप उसको यूज़ कर लें। इन केस अगर ये शीट आप 2025 के बाद भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्लिक करें 2025 पर, जहाँ ईयर है आपका। आप जाएं डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पूछेगा, एक अलर्ट आएगा कि द सिलेक्शन कंटेंट सम सेल्स विदाउट डेटा वैलिडेशन सेटिंग, डू यू वांट टू एक्सटेंड डेटा, आप अपना डेटा एक्सटेंड करना चाहते हैं। आप यस कर दें। यस करने के बाद ये देखिए यहाँ आपका ईयर आ चुका है 2025 तक। आप इंसर्ट कर दें 2026 2027 2028 2029 और 2030। ये करने के बाद ओके कर दें। आप देखेंगे कि यहाँ 2030 तक का आपका अटेंडेंस शीट तैयार हो चुका है। ये देखिए मैं मंथ चेंज नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं ईयर चेंज कर रहा हूँ तो हमारे डेज और डेट खुद ब खुद चेंज हो जा रहे हैं, यानी कि ये प्रॉपरली हमारा काम कर रहा है। अगर आप इस तरीके से अटेंडेंस शीट मेंटेन करते हैं तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर देन स्टडी। Thank you.